तो आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष बना हुआ है, आपको पूरा अपडेट हम दे रहे हैं। लखनऊ के काकोरी में 4 घंटे से एटीएस का ऑपरेशन चल रहा है। काकोरी से यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को दबोचा है। अल कायदा से जुड़े हैं इन संदिग्धों के तार। पाकिस्तान में बैठे हैं संदिग्ध आतंकियों के हैंडलर। एक एक बड़ी खबर, एक एक डिटेल आपको हम दे रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर ये आतंकी एक बड़ी साजिश रच रहे थे जिसको यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया समय रहते। थोड़ी देर पहले की काकोरी के उसी इलाके की तस्वीरें आपके सामने, जब एटीएस ने इस पूरे घर को घेरा हुआ था। अभी भी एटीएस वहां पर मौजूद है, अभी भी एटीएस उस पूरे इलाके को घेरे हुए है। अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। अभिषेक, 4 घंटे के दौरान एक अभी तक यह ऑपरेशन चल रहा है, ये बताइए, अभी वहां पर एटीएस की टीम मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं आप अभिषेक वहां? देखिए, मैं आपको आंखों देखा हाल दिखा रहा हूं जो इस समय हम देख रहे हैं। चूंकि जो ऑपरेशन मैंने बताया ये इंटेलिजेंस के लेवल पे ऑपरेशन है पूरा, ये देखिए वो सामने आपको हम घर दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर एटीएस के जवान तैनात हैं घर की छत पर। ये एटीएस यहाँ नीचे आपको हम दिखा रहे हो, ये सब मुस्तैद हैं। और ये मुस्तैद इसलिए है चूंकि हमारी जानकारी कि ये पूरा कंट्रोल में ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन पूरी तरह से एटीएस के कंट्रोल में है गौरव। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई अभी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जो हमें जानकारी मिल रही है। और आपको हम अब वो घर दिखाते हैं तस्वीरों में, निशानदेही का। ये देखिए आपको हम गैराज दिखाते हैं, यहाँ भी एटीएस के जवानों ने घिरा हुआ है। और आपको इसके बाद में ये घर दिखाते हैं। देखिए एटीएस जवान और पुलिस ने रिंग बनाई हुई है, ये देखिए, ये एहतियातन पूरा यूपी पुलिस ने रिंग बना रखी है यहाँ से लेकर के आगे तक। और ये देखिए यहाँ भी पुलिस तैनात है। तो आपको हम एग्जैक्टली उस लोकेशन से दिखा रहे हैं लाइव गौरव, जहां पर ये ऑपरेशन हुआ है। और हुआ है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन कंट्रोल में है और जो संदिग्ध हैं वो पकड़े जा चुके हैं हमारी जानकारी। और मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं कि मुस्तैदी आप देखिए एटीएस के जवानों की। देखिए ऊपर एटीएस के जवान आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिस घर में ये ऑपरेशन है उसके ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। और आसपास भी पूरा एटीएस के जवानों ने घेरा हुआ है। ये एटीएस के जवानों की मुस्तैदी है, पुलिस की एक रिंग है। यहाँ पर कोई गन शॉट फायर होने जैसी घटना नहीं घटी है। एक आप यूं समझ लीजिए कि ओवर पावर कर लिया है एटीएस ने, एटीएस ने काबू में कर लिया है जिन पर की शक है, जो संदिग्ध हैं इस पूरे मामले के। बिल्कुल, तो एटीएस ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है, एटीएस का पूरा कंट्रोल है इस ऑपरेशन पर। और जैसा कि आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं कि कैसे वहां पर पूरी एहतियात बरती जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।